लगता है ना राइडिंग आसान है, हालत खराब हो जाती है चला चला के गाड़ी। कैसा कर दूंगा, कैसा कर देगा, हंगामा एकदम। मैंने मानेगा नहीं, पंजाब गया था तो सामने देखिए दो नदियों का संगम हो रहा है, एक लेफ्ट से आ रही है और एक राइट से आ रही है। एक तो कम सीसी की बाइक, इसको चला चला के इतनी हालत खराब हो गई ना। भाई इधर रोड है और बगल में नदी है जो कि हरिद्वार से आ रही है, जो मैं रिसेंटली कर रहा हूँ, ये कईयों का सपना है। तो यार ये जो पहाड़ है ना यार, ये देखो पहाड़ क्या मतलब, ये इतने खतरनाक खतरनाक ना कम कार है, वेला वेला यार है। तो वेलकम बैक टू अडिक चैनल। तो कैसे हैं आप लोग, आई होप सब बढ़िया होंगे। तो फाइनली हम अपनी ड्रीम राइड के लिए निकल चुके हैं, जो कि बहुत दिनों से इसकी प्लानिंग चल रही थी, मैं और मेरे दोस्त की प्लानिंग। तो क्या मतलब ऑन द स्पॉट ही प्लान बना था ये हमारा अचानक से, तो ऑन द स्पॉट ही काम होता है, प्लानिंग कभी तो काम नहीं आती होती। तो सुबह के बच्चे के 4:30 निकलना था, मैं 4 बजे निकलना था, बट क्या करें मेरी वजह से लेट हो गए क्योंकि मैं सोया रह गया, उठ नहीं पाया टाइम से, जिसकी वजह से हम अब निकल रहे। अब तक हमें काफ़ी रास्ता कवर कर लेना चाहिए था क्योंकि सुबह ही सुबह रास्ता कवर हो पाता, उसके बाद तो यार गर्मी वर्मी दिमाग खराब हो जाता है। यहाँ से कहाँ से जा रहा है, तो चलिए फिर सफ़र को एंजॉय करते हैं और आपको दिखाते हैं पूरा व्यू यहाँ से लेके पूरे केदार, दिल्ली से लेके केदारनाथ तक का। तो भाई साहब चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब, वीडियो अच्छी लगी कर देना लाइक, आगे बढ़ने से पहले। तो इस चैनल पर कुछ इस प्रकार की वीडियो आपको देखने को मिलेगी, स्प्लेंडर के साथ अच्छी अच्छी जगहों पर जाया करते हैं। तो धीरे धीरे शुरुआत है अपनी। तो ये पहुंच गए मैम रोड़ी, तो यहीं से हमारी ऑफ रोडिंग चालू होती है। तो ऑलमोस्ट सूरज निकलते नहीं, सूरज जब तक निकलेगा ना तो हम दिल्ली पार कर चुके होंगे। बस मुझे मेरे तीन काम रह गए, मेरे को बैटरी चेंज करानी थी और टायर चेंज कराने थे और गाड़ी धोनी थी, मेरी तीन चीज़ें रह गई हैं। तो ये सारे काम मैं रास्ते में कराऊँगा, क्या करूँ टाइम में, तो रास्ते में कराना पड़ेगा ना। और इधर माइक की बड़ी भसड़ आ रही है तो माइक भी चेक कराएंगे चल के। आए क्या पता नहीं कहाँ मौका मिलेगा चेक कराने का। तो भाई साहब गाड़ी में ला लेते हैं तेल, अगल जी फुल करना टंकी, अच्छा डाल देना। तो फाइनली मेरी गाड़ी में 9 लीटर तेल आया, तो ऑलमोस्ट इतने में मैं पहुंच भी जाऊंगा और आधा रास्ता वहाँ से कवर भी कर लूँगा। तो मैंने प्रीमियम पेट्रोल खुलवाया। तो भाई साहब अब हमें कहीं रुकने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि तेल बनवाना था, फिर तेल मेरा भूख चुकेगा कि, तो यहाँ से तेल की दिक्कत खत्म है, टंकी पूरी फुल है गाड़ी में पूरी फुल। तो दूसरी आज मैंने दूसरी बार टंकी फुल बनाई, पहली बार कराया था निकाल गया था और आज यहाँ से भाई संजय ने लगा लिया मैप क्योंकि दिल्ली ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि अभी हम इस तक सादरा में, सादरा से थोड़ी दूर पार करते ही बस दिल्ली ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ तक तो रास्ता पता था हमें, अब यहाँ से हम गूगल बाबा लेके जाएंगे हमें। तो ऑलमोस्ट हमने 25-30 किलोमीटर तो कवर कर लिया होगा ना, 25-30 किलोमीटर। तो 25-30 किलोमीटर हमने खेच दिए अपने घर से यहाँ तक, तो हमें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आई। अब चल के चाय की कमी महसूस हो रही है, पहले चल के कहीं चाय पियेंगे, तो अपनी धंधो भी बिल्कुल रेडी है, तो चलिए चलते हैं फिर। तो भाई इधर रोड है और बगल में नदी है जो कि हरिद्वार से आ रही है, जंगल झाड़ है इसलिए आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, पर मस्त है व्यू, ग्रीनरी देखो। और ऐसा लग रहा है मैं गाँव में हूँ, गाँव में ही हूँ, बल्कि गाँव जैसी मतलब गाँव से ही सफ़र कर रहा हूँ। और ऑसम लोकेशन है यार, ऐसी मतलब लोकेशन पे गाड़ी चलाने का ना मज़ा ही कुछ हो रहा है। तो ऐसे हम माइंड फ्रेश करने के लिए निकल पड़ते हैं ट्रैवल करने, एक दिन नौकरी वोकरी सब छोड़ छाड़ के अच्छे से ट्रैवल करेंगे। अरे रोकियो गाड़ी, रोकियो इधर उधर, आगे आगे और आगे और आगे, बंद है। तो भाई साहब देख लो ये हरिद्वार से नदी आ रही है बहते हुए। तो भाई एक छोटा सा चाय ब्रेक लिया है मैंने, संजय तो पिएगा नहीं, कह रहा पहाड़ों में पीऊँगा, कह रहा जोश बहुत है वही जाके पीऊँगा।
तो भाई अपन चाय पीने के बाद ही चलेंगे। तो भाई कैसा लग रहा है भाई? बहुत ज्यादा मजा आ रहा है कसम से। तो पहली राइड है ना? हाँ फर्स्ट राइड है। पहली राइड है, फुल जोश में ये भगाया जा रहा। मैंने रुक जाया थोड़ा, कह रहा नहीं वही जाके रुकूंगा। तो चलिए अभी चाय पीने के बाद फिर चलते हैं। मेरे गोप्रो में दिक्कत आ रही है, इसको चेक करते हैं कि क्या दिक्कत है। तो भाई चाय ब्रेक लेने के बाद अब निकल दोबारा गाड़ी में स्टार्ट कर दिया, तो अब खाना खाने के लिए ही रुकेंगे अब। हाँ आई होप अगला स्टॉपस हमारा हरिद्वार ही हो। हल्की हल्की धूप निकल चुकी है, तो अब धीरे धीरे गर्मी का बढ़ना स्टार्ट हो गया है। तो हम कोशिश करेंगे कि जितने जल्दी हो सकेगा, मतलब ठंडे ठंडे में भी मौसम ठंडा है यहाँ पर, तो इसी बीच में हम अच्छे मतलब जितना रास्ता कवर कर लें ताकि गर्मी में यार गाड़ी नहीं चलेगी। तो गाइस यार नया गोप्रो लिया था, इसमें एक दिक्कत आ गई, माई अडैप्टर इसका काम नहीं कर रहा बिल्कुल भी। तो मैंने सोचा यहाँ बैठ कर आराम से चेक करूँगा क्या दिक्कत आ रही है, मेरे तो पल्ले नहीं पड़ा। ठीक, तो यहाँ हम रुके थे कुछ खाने पीने के लिए, क्योंकि सुबह से चलते ही आ रहे थे चाय पीने के बाद। तो यार चलते हैं, फिर जब माइक ख़राब हो गया तो बड़ा मूड ख़राब हो रहा है यार। सोचा था यार इतने पैसे इन्वेस्ट किए हैं, अच्छी वीडियो आएगी, अच्छी क्वालिटी आएगी, पर वही दिक्कत है यार। वही नहीं, जितना हो सकेगा मैं आपको कवरेज करके बताऊँगा, जितना हो सकेगा उतनी वीडियो कवर करूँगा, चैनल पर बने रहना दोस्तों। तो ऑलमोस्ट मैं कम से कम अभी हरिद्वार यहाँ से 80 किलोमीटर और रह गया है। तो नेक्स्ट अभी हम सोच रहे हैं हमारा हरिद्वार रहे, उसके बाद फिर ऋषिकेश, फिर देहरादून या फिर पता नहीं आगे, क्योंकि वहाँ से रास्ते अलग हो जाता है। तो वहाँ चल के देखते हैं गूगल मैप में कहाँ से लेके चलता है। तो ऑलमोस्ट हम हरिद्वार पहुँचने वाले, यहाँ से सिर्फ 40 किलोमीटर रह गए। खूब गाड़ी कैच खिलाएँ, छोटा सा ब्रेक लिया, ब्रेक हमने नहीं लिया, हमने गाड़ी को दिया है, क्योंकि गाड़ी का इंजन हो रहा था बहुत गर्म। तो संजय कह रहा भाई गाड़ी गर्म हो रही, साइड में रहोगे। तो मैं प्यारी सी लोकेशन देख के आया हूँ, मैं भी दिखाता हूँ कहाँ पे खड़ा हूँ। तो पीछे देखिए आपको नदी जा रही दिख रही होगी, ये हरिद्वार से आ रही है। तो ये पीछे संजय फोटो खींचने में लगा पड़ा और मैं सेब खा रहा हूँ यहाँ। तो अभी चलते हैं आगे, भी बहुत अभी तो शुरुआत है, अभी यहाँ से अच्छे अच्छे सीन चालू होने वाले हैं। तो वीडियो पूरी एंड तक देखना, आपको एक एक चीज़ दिखाऊंगा केदारनाथ तक की। तो यार इस राइड में ना बस एक ही चीज़ की दिक्कत आई है, मैंने नया एक्शन कैमरा लिया था जो कि हमारा बिल्कुल भी यूज़ नहीं हो रहा है यार। सोचा था अच्छा नया कैमरा लिया है, उससे अच्छी अच्छी वीडियो बनाएंगे, मोटो ब्लॉगिंग पूरी अच्छे से करेंगे, बट उसका माइक चल नहीं रहा। तब से मैं लगा पड़ा हूँ कि चल जाए, नहीं चल रहा है। तो अब आखिरकार फ़ोन से ब्लॉगिंग करनी पड़ रही है, इससे अच्छा मैं एप्पल ही ले लेता। 50,000 खर्च किए, तो मतलब 15,000-20,000 और एक्स्ट्रा लेके एप्पल ही ले लेता मैं, इससे अच्छा जब मुझे ब्लॉगिंग फ़ोन से ही करनी है। तो जो मेरे पास ये मेरा फ़ोन है तो बहुत मतलब अच्छा है, मतलब ठीक है, इसी को मैंने मतलब बहुत यूज़ किया और अभी भी कर रहा हूँ। तो कभी कभार हैंग हो जाता है तो गुस्सा बहुत आता है, मन करता है तोड़ दूँ या फिर संजय लाया उसका छीन लूँगा अभी। फिर वो कह रहा है कैमरा अच्छा है, चल ठीक है अच्छा है तो काम आएगा। तो गाइस फाइनली हम हरिद्वार पहुंच गए, सामने देखिए आपको गंगा जी नज़र आ रही होगी, घाट बने हुए हैं। तो अभी और आगे चलते हैं और अच्छा भी मिलेगा, और सामने देखो पहाड़ भी नज़र आ रहे होंगे आपको। तो ऑलमोस्ट हमने 220 किलोमीटर कवर कर लिया अब तक, और अभी भी 300 किलोमीटर बाकी है जो कि पूरा करना है शाम तक, तो वो भी हो जाएगा। अभी चलते हैं खाएंगे, लंच किया था वही मैगी खाई थी, अब चल के कुछ खाएंगे पियेंगे तो उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो भाई चले, तो भाई हर की फोड़ी पहुंच गए हम। व्यू देख यार एक नंबर का आ रहा है ना, ऊपर चंडी देवी का मंदिर है ना, चंडी माता का मंदिर है ऊपर, देखो लाल कलर का। इस पर मैं मतलब चढ़ते आदत खराब हो जाती है, दो तीन बार गया हूँ ना मैं यार। नहाने का मन कर रहा है, चले क्या नहाने का दिन कर रहा है, चल रहा साइड में के लगाते डुबकी मार के। ये सावन के टाइम में इतना भर जाता है ना, आपको सिर्फ लोग ही लोग नज़र आते हैं, अभी तो थोड़ा खाली सा है। तो यार चलते चलते गाड़ी में दिक्कत आ गई है, इसको ठीक करते हैं अभी।
रेस ज्यादा होगी इसकी, रेस ज्यादा होगी रेस। हो गया स्टार्ट करके देख लेंगे। चले नहीं है? नहीं अब ठीक लग रही है वो। मेरी गाड़ी में इसकी दिक्कत है, ये लंबी चलती है ना तो इस टायर के ना हवा प्रेशर कम हो जाता है, तो अभी चलिए कहीं ऑर्डर लगाएंगे। ऑर्डर लगाने से पहले एटीएम से पैसे निकालेंगे कि हमारे पास एक रुपया भी नहीं है कैश। मैं घर से खाली हाथ लेके निकला हूँ, मम्मी पैसे दे भी रही थी पर मैं लेट हो रहा था, मैंने लिया नहीं, मैं सोचा निकाल लूँगा एटीएम से, बट नहीं निकाल पाया। भाई आज की ट्रिप की पहली चढ़ाई हम चढ़ रहे हैं, तो फाइनली हम पहाड़ पे अब धीरे धीरे एंटर कर रहे हैं। अब तक का हमारा प्लेन रास्ता का सफर था और अब पहाड़ी पहाड़ मिलेंगे जिसके अंदर जिग जैग वाले रोड मिलेंगे, तो कभी ऐसे तो कभी ऐसे जाने को बहुत मिलेगा। तो अभी मैं यहाँ के लोकल बंदों से बात करी तो बता रहे थे केदारनाथ की तरफ आपको बारिश भी मिल सकती है और कहीं कहीं खड्डे और मतलब ख़राब रास्ता मिल सकता है, तो आराम से जाना, ध्यान से जाना। उन्होंने ये भी कहा कि आज आप केदारनाथ नहीं पहुँच पाओगे, तो मैंने कहा कोई बात नहीं कहीं और रुक के हम स्टे कर लेंगे। तो फर्स्ट ये देखो लीन करने वाला रोड, ये ओ दनो क्या खड़ी चढ़ाई है, ये है व्यू, ये ये पूरी दीवारों पे इधर देखिए भगवान का चित्रकला है, क्योंकि बहुत प्यारा लग रहा है देखने में। तो भाई यहाँ पर इतनी लैंड स्लाइड रखी है ना, पूरा रोड जाएंगे देखो कितनी सी जगह बची है। तो इधर की तरफ बहुत ज़्यादा ही लैंड स्लाइड रखा है, बहुत ज़्यादा पूरा शुरुआत है अभी, ये पता नहीं आगे और देखने को नहीं मिले। भाई साहब फैन यहाँ से चलेंगे जाना भी और वापस आना भी है। तो और इस बार ना लैंड स्लाइड कुछ ज़्यादा ही है, ये देखो हर जगह लैंड स्लाइड नज़र आ रहा है, हर जगह हर आपको 100-200 मीटर पे आपको लैंड स्लाइड मिल जाएगा। बहुत बुरा हाल हुआ है उधर, बहुत बुरा। अभी हम केदारनाथ की तरफ जा रहे हैं, वहाँ देखते हैं कैसा सीन रहने वाला है, मेरे को वहाँ तो और भी बुरा हाल है, बट फिर भी चलते हैं। और अभी क्या हुआ था, बीच में मेरी धंधो बंद हो गई थी, झटके ले रही थी, तो 5 मिनट मेरे को मतलब डर सा गया कि अब क्या हो गया, क्या हो गया धंधो को, क्या हो गया। फिर ये बाद में स्टार्ट हो गई, डर आती है धंधो तो मेरे को है कैसे करेगी। भाई साहब इस राइड पर कुछ ज़्यादा ही हालत ख़राब हो रही है, अभी तक कितने 350 किलोमीटर कवर हुए हैं, अभी भी बाकी है बहुत सा सफ़र, मतलब आज तो नामुमकिन सा लग रहा है, कल ही होगा। तो मैं एक बार दिखा देता हूँ कि मैं कहाँ बैठा हुआ हूँ अभी। तो एक मिनट दिखाता हूँ कहाँ। देखो नीचे पानी है और ये खाई है बहुत गहरी, ये सोनू है और यहाँ मैं बैठा पड़ा हूँ। ये सोनू है नहीं, ये उत्तराखंड है और मैं सोनू हूँ और नीचे नदी है। तो यहाँ से देखो कितनी तेज बहाव का मतलब पानी का बहाव कितनी तेजी से आ रहा है। तो हम इधर की तरफ जा रहे हैं सबसे ऊपर केदारनाथ, तो आज तो नहीं कल पहुंचेंगे। थैंक यू सो मच महादेव जी, सपना आखिर पूरा होने जा रहा है मेरा। तो मैं अपने आप को पहले बहुत अनलकी पर्सन, यूजलेस पर्सन समझता था, बट ऐसा कुछ नहीं है, जो मैं रिसेंटली कर रहा हूँ ये कईयों का सपना है। तो हुआ ना मैं लकी। तो चलिए बने रहे वीडियो में, चलते दिखाते भी काम रुकने वाले स्टेट। तो यार ये जो पहाड़ है ना यार, ये देखो पहाड़ का मतलब ये कितने खतरनाक रोड है ना। और भाइयों जिनको लगता है ना राइडिंग आसान है, हालत ख़राब हो जाती है चला चला के गाड़ी। तो इस वक्त मैं महादेव के मंदिर का मतलब महादेव के मंदिर है उसकी सीढ़ी में आराम से अपनी कवर सी दिखा रहा हूँ, क्योंकि जिसके वजह से जीना है ना कमर में लग रहा है तो आराम से मिल रहा है। तो राइड इज नॉट इजी, मतलब बहुत थकान भरा होता है यार। एक तो कम सीसी की बाइक इसको चला चला के इतनी हालत ख़राब हो गई ना,
पता नहीं चार राइडें करी है आज तक दिक्कत नहीं आई, पर इस बार मुझे कुछ ज़्यादा दिक्कत आ रही है मेरी बाइक में, क्योंकि ना भाग नहीं रही है यार। पहले भागती थी खूब अच्छी अच्छी, भाग ही नहीं रही है, रेस तोड़ दे रही है, मतलब मिसिंग मार रही है एक तरह की गाड़ी, तो इसलिए मुझे मतलब काफ़ी दिक्कत आ रही है। वरना तो यार अब तक पता नहीं कहाँ पहुँच गए होते हैं, पर अभी एक जगह मैं बच गया था एक्सीडेंट होने से। बहुत ही गंदा मेरा एक्सीडेंट होता, क्योंकि अचानक से पत्थर आ गए थे, मुझे पता नहीं चला, मेरा बैलेंस बिगड़ गया, पर बच गया। ऑलमोस्ट अब केदारनाथ की, केदारनाथ जी के दर्शन अब कल ही होंगे, तो बने रहिए वीडियो में, देखते कहाँ तक पहुँचते हैं, तो आपको पूरी डिटेल देंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना, ताकि इस चैनल पर ना ऐसी ऐसी प्रकार की वीडियो आती रहती है, जब भी कोई भी ऐसी वीडियो है तो हमें से पहुंच जाए, तो इसलिए कहता हूं चैनल सब्सक्राइब कर लेना। तो सामने देखिए दो नदियों का संगम हो रहा है, एक लेफ्ट से आ रही है और एक राइट से आ रही है, तो ये साथ में मिलते हुए इधर की तरफ जा रही है। पीछे देखिए प्यारा सा गाँव बसा कर रहा है, और वहाँ पे देखो लोग भी खेल रहे थे, छोटे छोटे नजर आ रहे हैं, क्योंकि मैं अभी हाइट पे हूँ बहुत। तो भाई अपने धन्नो खड़ी है, तो मैं धन्नो की हालत दिखाता हूँ कैसी हो रही है अभी हमारी। तो ये अपने धन्नो है कुछ इस तरह, पीछे कोकटा मिली है तो गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं है, सही चल रही है, और हवा की प्रेशर की दिक्कत है। तो चलिए चलते हैं दोबारा, राइड स्टार्ट करते हैं। हमें स्टॉपेज लेना है श्रीनगर में, जो कि यहाँ से 33 किलोमीटर दूर है, तो ऑलमोस्ट अंधेरा भी हो ही रहा है धीरे धीरे, तो अंधेरा होने से पहले हम निकल जाते हैं जल्दी जल्दी। तो अगला दिन टारगेट है केदारनाथ पहुँचना। 1 2 3 गो, बाय बाय देवप्रयाग, आई विल जस्ट कम विद इन 2 डेज। अरे भैया जी, ऐसा कर दूंगा। कैसा कर देगा? हंगामा एकदम, मैंने मानेगा नहीं, पंजाब गया था, ठीक है, रेलवे वाला बंदा था, ढंग से चमकाया मैंने उस बंदे को। क्यों? अब टिकट वो अब काउंटर से लग रहे हैं टिकट के, ठीक, तो मैं टिकट वहां से पेटीएम वगैरह करवा के टिकट निकाल। ये अपनी बाइक ही खड़ी है। तो भाई अपना रूम पर की तरफ है, तो रूम ने ले लिया है। तो फाइनली गाइस अपन मतलब पहुंच गए हैं, श्रीनगर पहुंचे हैं। यहाँ से भी केदारनाथ 125 किलोमीटर के आसपास है, तो हम कल जाएंगे वहाँ, क्योंकि रात हो चुकी थी, अगर वहाँ पहुँचते हैं तो होटल वोटल की दिक्कत होती, इसलिए हमने सोचा श्रीनगर पे रुक जाते हैं। तो हम जस्ट यहाँ पहुँचे, हम खाना पीना सब खा के आ गए हैं, तो सारी मार्केट ऑलमोस्ट बंद हो गई है, बंद हो चुकी है, तो हम भी जा रहे हैं सोने। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो यार प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है यार वीडियो बनाने में। तो नेक्स्ट पार्ट केदारनाथ का नेक्स्ट एपिसोड में आएगा, तो प्लीज़ जरूर देखिएगा। तो चलते हैं सोने, तब तक के लिए बाय।
ना कम कार है, वेला वेला यार है, ना सहेली।